नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो आज का वीडियो हमने बनाया है सेक्स स्प्रे के ऊपर। काफ़ी लोग अपना सेक्सुअल टाइम बढ़ाने के लिए, अपना इंटरकोर्स का ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए सेक्स स्प्रे का यूज़ करते हैं। सेक्स स्प्रे एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके पेनिस की ग्लांस की सेंसिटिविटी कम कर देता है, जिससे आप ज़्यादा देर तक इंटरकोर्स कर पाते हैं और ज़्यादा देर तक आपका पेनिस हार्ड रह पाता है, क्योंकि ये आपकी पेनिस की सेंसिटिविटी को भी कम करता है। साथ में आपका पेनिस में से ब्लड का फ्लो वापस नहीं जाने देता। इसमें एक लिडोकेन नाम की एक दवाई होती है, कईयों में बेंजोकेन होता है, कईयों में लिडोकेन नाम की दवाई होती है, जिसका कंटेंट अलग अलग होता है हर स्प्रे में। तो आज मैं आपको सारे स्प्रे बताऊंगा, उसके बाद उनको यूज़ करने का तरीका बताऊंगा। सबसे लास्ट में वो एक स्प्रे को खोल के उसका यूज़ करने का तरीका बताऊंगा, ताकि आप उसको सही तरह से यूज़ कर पाएंगे। और सारे स्प्रे देखने के बाद आप ये भी डिसाइड कर पाएंगे कि आप कौन सा स्प्रे आपको यूज़ करना चाहिए और कौन सा स्प्रे आप यूज़ कर रहे हैं जो आपके लिए ठीक है या नहीं है। आज शुरुआत करते हैं दोस्तों वीडियो की। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले जो स्प्रे आता है ये है स्टड 1000। ये बहुत ही अच्छा स्प्रे है। इसकी पैकिंग, सभी की पैकिंग लगभग एक तरह की होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी पैकिंग इस तरह की है, इनमें लगभग 12 ग्राम के बराबर स्प्रे होता है, जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। आपको पेनिस के आगे वाले पार्ट पे स्प्रे करना है, मैं आपको वीडियो के लास्ट में पूरा डिटेल से समझा दूंगा। इसके बाद आता है स्टड 2000, स्टड 1000, स्टड 2000, स्टड 5000। ये अलग अलग स्ट्रेंथ के हिसाब से स्प्रे, 5000 के बाद स्टड 5 लैक्स, स्टड 5 लैक आ गया। इसके बाद मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे स्प्रेज बता देता हूँ, काफ़ी अच्छी कंपनियों के स्प्रे हैं, जैसे ओनली मी स्प्रे, फिर आ जाइए आप क्लाइमैक्स स्प्रे। जैसे जैसे आपकी रेंज बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे स्प्रे की क्वालिटी अच्छी आती जाएगी। इसके बाद आ जाइए कामासूत्रा का लॉन्ग लास्ट स्प्रे, ये भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। इसके बाद आप आ जाइए जियाग्रा स्प्रे, बहुत ही एक्सीलेंट है। इसके बाद आ जाइए विगोरा, काफ़ी लोग विगोरा का नाम जानते हैं, विगोरा लीडो स्प्रे है, ये भी बहुत एक्सीलेंट है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और मैं एक बहुत ही अच्छे स्प्रे के बारे में बात करूँगा, ये है क्लाइमैक्स बुलेट स्प्रे। इसमें लिडोकेन के साथ में प्रिलोकेन भी मिला हुआ है, जो कि आपके पेनिस की हार्डनेस को भी ज़्यादा देर रखता है, सॉफ्टनेस को भी रखता है, जिससे आपको सेक्स करने में ज़्यादा मज़ा आता है। ये देखिए इस तरह की इसकी पैकिंग है, विगो क्लाइमैक्स बुलेट स्प्रे। अब दोस्तों बात करते हैं, ये सारे स्प्रे मैंने इंडियन स्प्रेज बता दिए, इनके अलावा कुछ इंपोर्टेड स्प्रे भी आते हैं, जिनके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी वीडियो में, आज के वीडियो में हम बता देते हैं कि इसको लगाना किस तरह से, क्योंकि काफ़ी लोग बड़े कन्फ्यूज़ रहते हैं। इस स्प्रे को लगाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, जब भी आप सेक्स करने जाएंगे और आपके पेनिस पूरा हार्ड हो जाएगा, पूरा आपका पेनिस फुल टाइट हो जाना चाहिए, उसके बाद ही इसको लगाना है। लगभग सेक्स करने से 2-3 मिनट या 5 मिनट पहले ही, जब तक उसका समय आप अपने जो फोर प्ले होता है उसमें यूज़ कर सकते हैं। उस समय पे जो 4-5 मिनट का समय है इसको स्प्रे को लगाने से पहले का, मैं ये जैसे कामासूत्रा का स्प्रे है इसको खोल के आपको दिखा देता हूँ। सारे स्प्रे का तरीका एक ही तरह का होता है, तो मैं इसको एक स्प्रे आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये इस तरह की पैकिंग का है, कामासूत्रा का लॉन्ग लास्ट स्प्रे, और इसको लगाएंगे किस तरह से वो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका पेनिस का ग्लांस है, तो इसके ग्लांस की स्किन को आपको पीछे कर लेना है। ये मान लीजिए ग्लांस की स्किन है, इसको आपने पीछे कर लिया, उसके बाद आपको स्प्रे को ओपन करना है। फुल तनाव आने के बाद में आपको इसके ऊपर 2 बार ग्लांस पे स्प्रे करना है ऐसे, और एक दूसरी बार, और फिर 2 मिनट आप वेट करेंगे। उस 2-3 मिनट में जो भी आपका समय है, जब तक पेनिस आपका हार्ड हो जाएगा, इसको थोड़ा सा रब भी कर सकते हैं, और इसके ऊपर आप चाहें कॉन्डम पहनना चाहें तो इसके ऊपर कॉन्डम भी लगा सकते हैं, और आप इसको तब आप इंटरकोर्स की शुरुआत कर सकते हैं। इसको एब्जॉर्ब होने में लगभग 1-2 मिनट 3 मिनट लगते हैं, जब तक 2-3 मिनट का समय आप अपने फोर प्ले में काम में ले सकते हैं, किसिंग वगैरह जो भी आपको करनी है वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इंटरकोर्स करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका इंटरकोर्स का टाइम इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे जिनका इंटरकोर्स का टाइम लगभग 1-2 मिनट या उनका 10 मिनट तक भी हो जाता है, कईयों का 15 मिनट तक भी हो जाता है जब ये स्प्रे यूज़ करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि फर्स्ट 1-2 बार में आपको थोड़ा सा अजीब लगे, थोड़ा सा सेंसेशन कम लगे सेक्स करते टाइम में, लेकिन जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते जाएंगे आपको और अच्छा लगता जाएगा, आपका टाइमिंग बढ़ता जाएगा, क्योंकि पेनिस से ब्लड का फ्लो वापस नहीं जाने देता और आपका सेक्स का टाइम बढ़ा देता है। तो दोस्तों इसी तरह से हमारा चैनल देखते रहें, हम नए नए प्रोडक्ट के बारे में आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।